क्या आपके हेवोर्थियर्स ग्रो ठीक से नहीं हो रहे हैं, क्या आप हेवोर्थियर्स ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षल है, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये वीडियो स्पेशली हेवोर्थियर्स के लिए डेडिकेटेड रहेगा। ही बेसिक वीडियो होने वाला है, हेवोर्थियर्स की केयर टिप्स एडवाइसेस जो भी मैं शेयर करूंगा, बेसिक लेवल का ही इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं और जो मेरी ग्रोइंग कंडीशंस है नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ही रहेंगी, तो आप इनको जो मैं एडवाइसेस दूंगा, टिप्स दूंगा, इनको अपने नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में अप्लाई कर सकते हो। एंड आई एम श्योर डेफिनेटली आपको भी कुछ चेंज महसूस होगा अपने हेवोर्थियर्स में इफ़ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू शेयर एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल। ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हेवोर्थिया एक सक्युलेंट प्लांट है, थोड़ा डेलिकेट प्लांट है और साउथ अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। वहाँ पर रॉक्स और बुशेस के नीचे ग्रो होता है। इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान देने वाली है कि आपका जो सेटअप रहेगा वो ओपन में नहीं रखना है, आपको फुल सन में नहीं रखना है। अब फुल सन में नहीं रखना है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये इंडोर प्लांट है। नहीं, ये इंडोर प्लांट नहीं है। आपको इसको एक सेमी शेडेड एरिया में रखना है। बहुत से बहुत अगर डायरेक्ट सन आप देना चाहते हो तो अर्ली मॉर्निंग का, कुछ घंटों का मॉर्निंग सन इनको दे सकते हो, उसके बाद ये सन टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो मेरा सेटअप है हेवोर्थियास का, ये पॉली हाउस में रखा हुआ है और अभी तो यहाँ पर कोई मैंने शेड नेट इंस्टॉल नहीं किया हुआ है क्योंकि अभी ये फेब्रवरी है, लेकिन हाँ कुछ ही हफ्तों के अंदर, प्रॉबेबली मार्च में, मैं इनके ऊपर भी एक शेड नेट इंस्टॉल कर दूंगा टू कट डाउन द लाइट। और यहाँ पर काफ़ी वेंटिलेशन भी होता है। आप पीछे देख सकते हो मेरे, इट्स ओपन, सो इट्स क्वाइट वेंटिलेटेड एरिया जहाँ पर ये हेवोर्थियास रखे हुए हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो हेवोर्थिया की यही है कि आपको ध्यान रखना है कि इनको एयर वेंटिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा चाहिए, प्लस डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो हो गया सन, डायरेक्ट सन में इनको ग्रो नहीं करना है। इस पर दूसरा चीज़ कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये विंटर ग्रोइंग है कि समर ग्रोइंग है, पानी कब देना है कब नहीं देना है। ये विंटर ग्रोइंग है, समर में डोरमेंट चले जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा इस पर और डिस्कशन कर लेता हूँ कि जब टेम्परेचर 30-35 के ऊपर जाता है दे स्टार्ट गोइंग इनटू डोरमेंसी, डोरमेंट होना चालू हो जाते हैं हेवोर्थियास। और विंटर्स में अगर टेम्परेचर लेट्स से 7-8 डिग्री से नीचे जाता है तो अगेन ये डोरमेंट हो जाते हैं। तो अगर प्लांट डोरमेंट है तो उसको पानी नहीं देना है। फिर विंटर्स में इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये एक फ्लावर स्टॉक आया हुआ है, तो ये तो आप अपने आप नोटिस करके पहचान जाओगे कि कब ये ग्रो हो रहा है कब ग्रो नहीं हो रहा है, और उसी हिसाब से वाटरिंग इंक्रीज़ कर देनी है। तो जब टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा लेट्स से इन अक्टूबर और इन नवंबर, हम धीरे धीरे इनकी वाटरिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और वही टाइम सही है इनको फर्टिलाइज़ करने का भी। और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होना स्टार्ट होगा इन मार्च अप्रैल, वाटरिंग हम रिड्यूस कर देंगे। फर्टिलाइज़ करने का मैंने आपको बताया, बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, NPK 19-19-19 इन ग्रोइंग सीजन। यहाँ पर मेरे पास हेवोर्थियास है, हेवोर्थियोप्सिस है, ट्यूलिस्टा है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इन सबको हेवोर्थिया ही बोलूँगा। और अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाता हूँ कि कौन से हेवोर्थियास मेरे पास है और हेवोर्थियास को प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। सीड से, ऑब्वियसली सीड से ग्रो करने का एक तरीका है प्रोपोगेट करने का। दूसरा, जो पप्स आते हैं उनको रिमूव करके आप प्रोपोगेट कर सकते हो। थर्ड तरीका है, तीसरा तरीका है लीफ प्रोपोगेशन। मैं अभी उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट स्टिल लर्निंग लीफ प्रोपेगेशन, और मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है लीफ प्रोपेगेशन में। एंड देन फोर्थ वे टू प्रोपेगेट हेवोर्थिया इज़ ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर प्लांट्स आर ऑल्सो वाइडली अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेवोर्थियास मैंने इस तरह से स्क्वायर पॉट्स में लगाए हुए हैं। This is Hevortia radula variegated. This is Hevortia kentuckii,
अ ब्यूटीफुल कोयल हाइब्रिड। जो मेरा मिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो ये सेंटर बेस्ड है और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल काफ़ी कम है, अराउंड 10%। सो 90% इस प्योर सेंटर एंड रेस्ट 10% इज ऑर्गेनिक मटेरियल। और कुछ हेवॉर्थियाज में तो प्योर सेंटर है और ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। तो ग्रोइंग सीजन में इनको मैं फिर काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा से मतलब है कि विद एवरी वाटरिंग आई गिव NPK। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अभी इनका कलर देख रहे होंगे, थोड़ा सा चॉकलेटी लग रहा होगा, जैसे कि ये कॉम्प्टोनियाना है। अभी इसका कलर आप देखो, ये सन स्ट्रेस है, जो अभी कुछ दिनों से सन हार्श हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेस में चला गया है और इसका कलर चेंज हुआ है। बट ये दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट। अभी ये इसका जो ग्रीन कलर है वो कुछ ही दिन में फिर से आ जाएगा, ऐसे शेड नेट जब इंस्टॉल करूँगा दिस विल टर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल ग्रीन कलर। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ट्रंकाटा है। मैंने कोई फैंसी टॉप ड्रेसिंग या आकाडामा या कुछ और यूज़ नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऑनेस्टली मैं भी अभी यू नो आई एम स्टिल इन द लर्निंग फेज। मैं भी अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को भी बचा है। आई मीन लर्निंग इट्स लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस, राइट। दिस इज ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल ट्रंकाटा। ये मैंने अभी रिसेंटली प्रोपगेट किया था और इसमें काफ़ी सारे पप्स थे जिनको मैंने डिटैच किया मदर प्लांट से और उनको सेपरेटली पॉट किया है। यहाँ पर ये गेस्टेरियाज हैं। देखो गेस्टेरियाज अगर आप है बहुत ही ग्रो कर लोगे तो गेस्टेरिया ग्रो करने में तो कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं है। गेस्टेरिया इज़ वेरी हार्डी एज़ कम्पेयर टू हेवॉर्थिया, तो गेस्टेरिया में तो उतना इशू नहीं है। यहाँ पर ट्रंकाटा के कुछ बड़े क्लंप हैं। ये भी काफ़ी पुराना क्लंप है, आई थिंक आई हैव दिस फ्रॉम पास्ट 10 years। बहुत ही सुंदर है हेवॉर्थिया विनिस्टा है यहाँ पे। अगेन दीज आर सन स्ट्रेस्ड। अभी सन काफ़ी हार्श है कुछ दिनों से, ऑल्दो टेम्परेचर इज स्टिल बिलो 30, बट स्टिल सनलाइट ज़्यादा होने की वजह से ये स्ट्रेस में चले गए हैं। आई नो राइट, यहाँ पर काफ़ी कलरफुल हेवॉर्थियाज नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को। दिस इज हेवॉर्थिया टॉर्टुओसा वेरिएटेड। इसका पॉटिंग का वीडियो आप अभी देखोगे। Another beautiful Hevothia truncata, Seiko Nishiki. ये देखो कितना प्यारा मोगनी आया है। Small but beautiful.
फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे दो हेवॉर्थियाज़ रिसीव हुए हैं इस पैकेट में, और मैं यहाँ पर दिखाऊँगा हेवॉर्थियाज़ जब आपके पास आए तो आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ये है हेवॉर्थिया मॉर्डोर। दिस इज हेवॉर्थिया कूपराई। दोनों काफ़ी ही हेल्दी कंडीशन में हैं। आप देख सकते हो अच्छे से रूट्स हैं, प्लांट भी प्लम्प है, हेल्दी है। अब इनको क्या करना है? अब आपके पास ये प्लांट्स रिसीव हुए, आप स्ट्रेट अवे तो इनको पॉट में नहीं लगा सकते हो। लगाने को लगा भी सकते हो, लेकिन कुछ छोटी सी केयर की टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। आप उनको अगर फॉलो करेंगे तो प्लांट और जल्दी पिकअप करेगा ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से आगे फ्यूचर में ग्रो करता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले तो इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये है वॉर्थिया मोडोर है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप रूट डेवलपमेंट देख सकते हो। यूजुअली जब भी आप हेवॉर्थियाज परचेज करोगे, इस तरह से हेवॉर्थिया काफ़ी सारी रूट्स के साथ आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारी डेड रूट्स हैं, कुछ डेड लीव्स भी हैं यहाँ पर। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको रिमूव करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा क्लीनिंग करेंगे रूट्स की। तो चलिए क्लीनिंग दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जितनी भी अनवांटेड डेड लीव्स हैं उनको रिमूव करेंगे। इस तरह की ये जो डेड रूट्स हैं, वी विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम एज वेल। जितना ये डेड रूट्स हैं, ये अगर लगे रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट तो तभी भी चलता रहेगा, मरेगा नहीं। लेकिन जो नई रूट्स आएंगी उनको जगह नहीं मिलेगी ग्रो करने के लिए। सो इट्स बेटर टू गेट रिड ऑफ दीज डेड रूट्स। आप देख सकते हो काफ़ी सारा डेड रूट्स और अनवांटेड लीव्स सब निकाल दी गई है। यहाँ पर कुछ और रूट्स मैं ट्रिम कर देता हूँ जो मुझे लग रहा है मेरे काम की नहीं है, प्लांट को ज़रूरत नहीं है उन रूट्स की। ठीक, अभी ये प्लांट रेडी है पॉट करने के लिए। पॉट करने से पहले इसको एक छोटा सा फंजीसाइड वॉश ज़रूर देंगे, वो भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको। पहले कूपराई को थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं। कुछ लीव्स को निकाला है ताकि जो नई रूट्स आए उनको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाए।
ये प्लांट भी रेडी है पॉट करने के लिए। मैंने काफ़ी रूट्स ट्रिम कर दी हैं। एक बार इसको फंजीसाइड वॉश करेंगे और थोड़ा ड्राई होने के बाद पॉट कर देते हैं। इसमें मैंने 200 डाला है, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। और ये गए दोनों हेपोटियास इस पानी में। पूरी तरह से मैं इमर्स करूंगा फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। तो अभी 30 मिनट्स हो गए हैं इन प्लांट्स को ये फंजीसाइड सॉल्यूशन में डाले हुए। अब इनको निकालते हैं और थोड़ा सा लाइट ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से इनको साफ कर लेते हैं इन केस इफ देयर इज एनी एक्स्ट्रा डस्ट ऑन देम। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्यूपराई। अभी इनको मैं ड्राई होने रखूंगा फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। मीडिया मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरा हेवोर्थिया के लिए मीडिया सेंटर बेस्ड रहता है। सेंटर मैं यूजुअली लेता हूँ 80-90% और 10% ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वर्मी कंपोस्ट। लेकिन आज जो ये प्लांट्स मैं आपको पॉट करके दिखाने जा रहा हूँ, इनके लिए मैं कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई विल बी यूजिंग प्लेन सिंडर। ये मैंने डाला है, ग्रैनुलर फॉर्म में आता है इंसेक्टिसाइड, और यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑस्मोकोट स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र। ये मैंने पॉट के बेस में डाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी मीडिया रहता है, चाहे आप सिंडर यूज़ करो, चाहे सैंड यूज़ करो, सीव सैंड कुछ भी यूज़ करो, वो अच्छा पोरस होना चाहिए। अगर पोरस नहीं होगा तो रूट रॉट होने का डर रहेगा। अगर आपका क्लाइमेट ह्यूमिड ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मटेरियल थोड़ा सा कम यूज़ करो, वाटरिंग पर ध्यान दो, और अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहते हो तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल का परसेंटेज बढ़ा सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली रूट्स को तो मॉइस्चर चाहिए। लेकिन मेरा जो नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट है, स्पेशली टॉकिंग अबाउट माय एरिया, यहाँ पर ह्यूमिडिटी थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं काफ़ी कम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करता हूँ। ग्रिटी सॉइल के अलावा आप ऑर्गेनिक मटेरियल में वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो, अच्छा क्वालिटी का गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। आपने ये पॉटिंग के वीडियो में नोटिस किया होगा कि मैं दो साइज़ का सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। ये दोनों साइज़ का सेंटर आप देखो ध्यान से, तो एक छोटे साइज़ का सेंटर है और एक नॉर्मल एवरेज साइज़ का सेंटर है जो आमतौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो एज पर द रिक्वायरमेंट आप सेंटर यूज़ करोगे। हेवोर्थियास को पॉट करने के बाद मैं तुरंत पानी देता हूँ, और आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हेवोर्थियास जहाँ भी रखे हों वहाँ पर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो।
हेवोर्थिया को प्रोपोगेट करने का एक तरीका ये भी है कि आप, जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, इस हेवोर्थिया में काफ़ी सारे पप्स नज़र आ रहे होंगे। ये मदर प्लांट है और इस तरह से ये पप्स साइड से ग्रो किए हैं, इनको हम डिटैच करके इनको प्रोपोगेट करेंगे। तो ये मैं आपको भी दिखाता हूँ करके। तो आपने देखा इस तरह से मैंने ये पप्स डिटैच करे मदर प्लांट से। अभी ये जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं इनको भी थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, किस तरह से मैंने रूट्स क्लीन करी हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये मदर प्लांट से ये जो अटैच्ड पप्स थे इनको मैंने किस तरह से डिटैच किया और इनकी रूट्स मैंने क्लीन करी। अभी इनको थोड़ा सा, जो इनकी वूंड्स हैं उनको थोड़ा ड्राई आउट होने रखा जाएगा और उसके कुछ दिन के बाद इनको पॉट करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने हेवोर्थियास देखे, हेवोर्थियास की केयर टिप्स एडवाइसेस मैंने आपसे शेयर करे, मैंने अपना पॉटिंग स्टाइल आपको दिखाया, अपना मीडिया आपको दिखाया और वाटरिंग कैसे की जाती है उस पर डिस्कशन किया। तो लगभग मैंने सभी टॉपिक्स को एक बेसिक लेवल पर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी थी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मुझे एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना था कि इन सभी टिप्स और एडवाइसेस को अपने प्लांट्स पर आप अप्लाई करो तो प्लीज़ एट योर ओन रिस्क, क्योंकि देर इज़ अ थंब रूल, व्हाट माइट वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू। इसी तरह के गार्डनिंग वीडियोज़ को देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।